हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा कर रहे होंगे आप एंड आई होप आपने पावर शेयरिंग चैप्टर के नोट्स प्लस डेवलपमेंट चैप्टर के नोट्स अच्छे से देखे होंगे। वो पूरे शॉर्ट नोट्स हैं, आप अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो प्लीज कमेंट, आई विल रिप्लाई। सो लेट्स कॉन्टिन्यू आवर टॉपिक। We completed last video at a point of that was immediate cause of taking non-cooperation movement back. And there were two very very famous movements, that was non-cooperation movement and civil disobedience movement. तो इसके बीच में जो time period रहता है आज हम video में वो cover करने जा रहे हैं, means what happened after Chauri Chaura and before civil disobedience movement. That's why the topic is towards civil disobedience movement. So let's come to very very important question जो exams में बहुत बार पूछा जाता है, that is reasons of taking non-cooperation movement back. कि non-cooperation movement को वापस क्यों लिया गया? हमने last time पढ़ा था सिर्फ एक immediate cause. ये सिर्फ एक मार्क्स आपको दिला सकता है, बट अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है या 5 में आता है तो हाउ विल यू डू इट? सो देयर आर सम अदर पॉइंट्स आल्सो डिस्पाइट ऑफ इमीडिएट कॉज, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, सत्याग्रह इज नीडेड टू बी ट्रेन। महात्मा गांधी रियलाइज्ड दैट सत्याग्रही द वे दे आर बिहेविंग दैट वॉज नॉट एज पर द रूल्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो वो उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे थे। तो ही थॉट सत्याग्रही को ट्रेनिंग की जरूरत है, ओके, सो दैट दे शुड नॉट बी इजिली वायलेंट। सेकेंड, कांग्रेस लीडर्स वर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल। यू नो, हमारे घर में कोई फंक्शन होता है ना, कोई शादी होती है, तो विद इन 3-4 डेज हम इतने टायर्ड हो जाते हैं। तो यहाँ तो एक बहुत लंबा, यू नो, पूरे देश में एक कुछ लीडर्स मिलके एक मास मूवमेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट सो इजी। सो द वे दे वर ऑर्गेनाइजिंग, विजिटिंग डिफरेंट एरियाज, टॉकिंग एंड ट्राइंग टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स, और लोगों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, तो दे वर टायर्ड ऑफ, फेड अप ऑफ मास स्ट्रगल। उनको बहुत ज्यादा इस में यू नो टायर्ड हो गए थे एंड दे वॉन्टेड सम रिलैक्स एंड फ्यू लीडर्स वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। ये हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि फ्यू लीडर्स ऑफ कांग्रेस एंड इवन अदर पार्टीज, उनको ये लग रहा था कि इफ वी विल नॉट टेक पार्ट इन इलेक्शंस तो वी विल नॉट गेट अ चांस टू सिट इन लेजिस्लेचर्स। तो जब लेजिस्लेचर में आप बैठेंगे ही नहीं तो कोई भी लॉ आपके अगेंस्ट पास किया जा सकता है, और आप उसको कहा भी जा सकता है जस्टिफाइड ऑन लीगल टर्म्स। तो दे थॉट कि बायकॉटिंग इलेक्शंस इज नॉट गुड। सो कुछ लीडर्स ये सोचते थे कि हमें बायकॉट करने की बजाय फाइट करना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बैठकर ब्रिटिशर्स के पॉलिसी मेकिंग में डिस्टर्बेंस क्रिएट करनी चाहिए। तो देयर वर लीडर्स इन कांग्रेस ऑल्सो लाइक सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन कांग्रेस। तो सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, इन्होंने विद इन कांग्रेस, यू नो कांग्रेस रिमेन्ड वेरी लिबरल पार्टी ऑलवेज। तो जब कुछ मेंबर्स ने ये बोला कि वी वॉन्ट टू टेक पार्ट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स दे एक्सेप्टेड, सो कांग्रेस डिसाइडेड ओके दोज हु वॉन्ट टू टेक पार्ट इन इलेक्शंस दे विल फॉर्म वन मोर पार्टी विद इन कांग्रेस। कांग्रेस के बाहर नहीं, कांग्रेस के अंदर ही वो लोग एक पार्टी फॉर्म करेंगे, मींस दे विल बी मेंबर ऑफ स्वराज पार्टी एज वेल एज कांग्रेस, एंड दोज हु डोंट वांट टू टेक, दोज हु वांट टू बायकॉट, दे विल बी मेंबर ऑफ कांग्रेस, मींस दोनों कांग्रेस के मेंबर्स रहेंगे, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग पार्ट यू विल फॉर्म वन मोर पार्टी दैट दे हैव फॉर्म्ड एंड यू विल फाइट इलेक्शंस। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर 1 मार्क। एंड इमीडिएट कॉज, आई यूजली से माई स्टूडेंट्स के आप कोई भी हेल्प बुक देखते हैं ना, वो आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल मिस कर देते हैं, बट ये इमीडिएट कॉज था। जैसे हम 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का इमीडिएट कॉज समझते हैं, वो चर्बी वाले कारतूस, तो लाइकवाइज ये भी चोरी चोरा इंसिडेंट है जो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते वाई राइटिंग रीजन्स, एंड आई हैव सीन सो मेनी हेल्प बुक्स वो इसको मैंशन ही नहीं करते हैं। तो यू कैन इजिली मैंशन
फाइव मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो भी और थ्री मार्क्स में आता है तो भी. देन जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस. लिसन वेरी केयरफुली. आप लोगों ने नरम दल और गरम दल के बारे में जरूर सुना होगा. जब इनिशियली कांग्रेस फॉर्म हुई थी 1885 में, एट दैट टाइम इट वॉज वेरी लिबरल और जो कांग्रेस लीडर्स थे वो एप्लीकेशन देना और देवर सेइंग कि हम इस तरह के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को यूज करके हम ब्रिटिशर्स को अपने फेवर में अपना फेवर लेने की कोशिश करेंगे. बट धीरे धीरे क्या हुआ, बिकॉज फॉर ब्रिटिशर्स दैट प्लेटफॉर्म वॉज बीइंग यूज्ड के आप जो एक्सप्रेस करेंगे उनको पता चलता रहेगा कि व्हाट इज द पल्स ऑफ इंडियन पीपल. दैट्स व्हाई दिस पार्टी वॉज फॉर्म्ड. बट उन्होंने जो भी एप्लीकेशन उनके पास आती देवर जस्ट थ्रोइंग इन डस्टबिन. तो मींस नो एनी काइंड ऑफ व्यू वॉज कंसीडर्ड विच वॉज गिवन बाय कांग्रेस. तो धीरे धीरे क्या हुआ, जो यंग जनरेशन कांग्रेस का पार्ट बनी उन्होंने इस चीज को सीरियसली लिया एंड दे फेल्ट वेरी बैड. तो आप जो नरम दल हम किनको कहते हैं, जो मॉडरेट्स थे, लिबरल्स थे, पोलाइटली ब्रिटिशर्स से बात करते थे और कहते थे हमें एप्लीकेशन और ये सारी चीजें यूज करनी है. बट वेन दीज वर नॉट बींग यू नो सक्सेसफुल, तो जो यंग जनरेशन कांग्रेस का पार्ट बन रही थी दे वर कॉल्ड गरम दल, आई शुड से रेडिकल. और उनमें से ही ये हैं जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जो अनहैप्पी थे उनके मेथड से. रीजन क्या था, क्योंकि इंडिया में कोई डेमोक्रेसी तो थी नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारी कंट्री में है नहीं, फिर हम कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स यूज कर रहे हैं, राइट? सो दे थॉट के दे विल नॉट लीव पावर लाइक दिस बाय बेगिंग इन फ्रंट ऑफ देम. सो वी नीड टू टॉक अबाउट फुल इंडिपेंडेंस. वाई फुल इंडिपेंडेंस, बिकॉज कांग्रेस लीडर्स इनिशियली वर टॉकिंग अबाउट स्वराज. उनका जो एक आई कैन से कि स्वराज का पॉइंट ये नहीं था कि ब्रिटिशर शुड लीव अस, दे वर सेइंग वी शुड बी गिवन सेल्फ रूल इंटरनली, मींस बाहर आप मैनेज करते रहिए, फॉरेन अफेयर्स इंडिया के मैनेज करते रहिए. बट नाउ दिस रेडिकल एंड यंग जनरेशन दे वॉन्टेड दैट ईच एंड एवरी थिंग शुड बी इन आवर हैंड्स. मीन्स हमें कोई भी आधी और कुछ हद तक डेमोक्रेसी या फ्रीडम नहीं चाहिए, वी नीड इट कंप्लीटली. सो देयर वर टू फैक्टर्स दैट शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स इन लेट 1920s. इसको याद रखिए, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लेट 1920s ये पूछ रहे हैं. तो यहाँ पर दो मेन पॉइंट्स थे जिन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को इफेक्ट किया. नंबर वन, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन. यू नो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऐसा था जिसने इंडिया को ही नहीं पूरी वर्ल्ड की कंट्रीज को इफेक्ट किया था, क्योंकि एग्रीकल्चर प्राइसेस कम हो गए, इवन फार्मर्स वर नॉट गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, नो वन वॉज रेडी टू परचेज देयर थिंग्स एंड दे वर अनेबल टू पे द रेवेन्यू. तो उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिप्रेशन. साइमन कमीशन, सेकेंड वॉज साइमन कमीशन. गो बैक साइमन तो सबने सुना होगा. तो इट वॉज अंडर सर जॉन साइमन, दैट्स वाई द नेम इज. सो अराइव्ड इन इंडिया इन 1928, ग्रीटेड विद स्लोगन गो बैक. ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सबने इसके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेट किया. क्यों, लेट्स डिस्कस. नंबर वन, न्यू टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन. ब्रिटेन में नई टॉरी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो उन्होंने ये सेपरेट कमीशन फॉर्म किया. मींस लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, तो ये टर्म्स इनके लिए यूज होती है. इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, व्हाट वाज ऑब्जेक्टिव टू फॉर्म साइमन कमीशन, दैट वाज टू लुक इनटू फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया, कि क्या चल रहा है इंडिया में. क्योंकि इससे पहले 1909 एंड 1919 के दो एक्ट पास हुए थे, उनकी एग्जीक्यूशन को चेक करने के लिए, प्लस टू सजेस्ट सम चेंजेस इन फ्यूचर. तो उन्होंने ये फॉर्म किया. And who was there? That was big problem for India. This commission was formed by all white people. Means, सभी गोरे लोग इसके member थे. There was not even a single Indian in that commission. So that was the problem for India and Indian parties. They were saying, without having any Indian, how can you get to know our problems? जब कोई Indian आपके commission में ही नहीं है, you are coming from यू नो योर कंट्री और आपको हमारी प्रॉब्लम पता ही नहीं है, एंड देयर इज नो मेंबर्स
who can tell you what is the basic problem in India. So what will you do for us? That's why it was, you know, everyone was against this commission. So Viceroy Irwin saw that people are agitating in this way. Books ऐसी चीजें नहीं लिखती, but I should say it was a kind of reputative जो insult होती है ना, it was faced. What do I feel? Viceroy Irwin को ये feel हुआ कि means one commission has come from their home country और उसको इस तरह से मतलब उसका विरोध हो रहा है, तो Viceroy की obviously responsibility है. तो Viceroy ने क्या किया, इन अक्टूबर 1929 टू सेटिस्फाई पीपल, के लोगों को थोड़ा सा सेटिस्फाई करते हैं, ही हैज जस्ट थ्रोन अ आइडिया दैट वाज ऑफ डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया. वेग मींस टोटली अनक्लियर, जिसका कोई यू नो एक स्पेसिफाइड थिंग नहीं है. उन्होंने कहा हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देते हैं. जैसे अब कोई बच्चा मार्केट में पेरेंट्स के साथ जाता है ना, वो कहता है मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार चाहिए, और आप कहेंगे नहीं बेटा एक डेयरी मिल्क का चॉकलेट ले लो. तो हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, जो उस टाइम भी किया गया. ही सेड के वी कैन गो फॉर डोमिनेंट स्टेटस फॉर इंडिया एंड वी आर प्लानिंग फॉर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री. डोमिनेंट स्टेटस क्या होता है? डोमिनेंट स्टेटस होता है कि आपको कुछ हद तक हम आपको लिबर्टी दे सकते हैं. जैसे आई शुड से स्वराज में जो कुछ हद तक उनको समझ में आया था ना, वो उसी की बात कर रहे थे, बट वो देना नहीं था. इट वॉज जस्ट लाइक कि नाउ यू विल स्टार्ट बेगिंग अस फॉर डोमिनेंट स्टेटस. ये इसलिए किया गया था, बट बिकॉज नाउ इन कांग्रेस देयर वॉज नो वेरी इफेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडरेट्स, जो नरम थे उनका इन्फ्लुएंस कम होता जा रहा था, और दैट वॉज अ टाइम जब जो यंगस्टर्स एंग्री यंग मैन्स यू में से वो लोग कांग्रेस में ज्यादा इफेक्टिव हो रहे थे. तो पूर्ण स्वराज, तो इस चीज को क्लियर करने के लिए कांग्रेस का जो एनुअल सेशन हुआ दिसंबर 1929, इट्स वेरी वेरी फेमस. तो आप इसको ना समझने का यू नो अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं. ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. लाहौर सेशन जहां होता था ऑब्वियसली वो लाहौर, तो अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू. तो हर एनुअल सेशन में एक प्रेसिडेंट चूज करते थे, तो इस टाइम जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एनुअल सेशन. एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू जवाहरलाल नेहरू वाज रेडिकल. एंड 26 जनवरी, तो इसमें उन्होंने डिस्कस किया एंड पास किया कि नाउ वी विल गो फॉर पूर्ण स्वराज. पूर्ण स्वराज मीन्स नाउ दे मेड इट क्लियर कि स्वराज इज नॉट विच वी वर आस्किंग अर्लियर. नाउ वी वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ यू कंप्लीटली, मीन्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस इंटरनली एंड एक्सटर्नली. ओके, दे मेड इट क्लियर. सेकेंडली दे चोज 26 जनवरी 1930. उन्होंने एक्चुअली 26 जनवरी को चूज किया टू के लोगों को, एक्चुअली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद पीपल वर वेरी अपसेट एंड एंग्री, तो उनका जो एंथुसियाज्म था वो बहुत नीचे आया. तो अब लोग अच्छे से पार्ट नहीं ले रहे थे, तो उनको इनकरेज करने के लिए उन्होंने 26 जनवरी एक डे प्लान किया कि वी विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे. मीन्स साइकोलॉजिकली नाउ वी आर फीलिंग that we have got rid of British rule and we will start preparing our constitution on our own, right? But is they took pledge to struggle but little attention, but iski taraf logo ne zyada attention nahi di. Kyun? Obviously because they were angry. And one more thing I want to tell you, when in 1950 Republic Day was being declared in our country, that was because of the historical importance of 26 January. Our constitution was ready on 26 November 1949. I'm talking about after independence. 26 November 1949 ko hamara constitution ready ho gaya tha, but it was decided in the meeting that we will execute the whole constitution on 26 January, क्योंकि ये ज्यादा दूर नहीं था, क्योंकि हम इंडिपेंडेंस डे 1930 से इस डे को मनाते आ रहे थे. तो दो महीने हमने वेट किया,
बिकॉज ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है इफ यू रिमेम्बर। तो 26 जनवरी 1950 को हमने इंडिया को रिपब्लिक जो डिक्लेयर किया, दैट वॉज बिकॉज ऑफ 26 जनवरी विच वी वर सेलिब्रेटिंग एज इंडिपेंडेंस डे। अब लोगों ने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया बिकॉज इट वॉज ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ऑब्स्ट्रैक्ट कैसे, आप एक आजाद कंट्री नहीं है बट यू आर फीलिंग लाइक इट इज इंडिपेंडेंट कंट्री, तो एक ऑब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया था जो सबको डाइजेस्ट नहीं हुआ। दैट्स वाई महात्मा गांधी फेल्ट के हमें यहां से कॉन्क्रीट में लेकर आना है, मीन्स वी नीड टू टेक एनी इशू विच इज ऑफ डेली लाइफ। ओके, दैट वॉज द purpose of starting civil disobedience movement and it was started because of salt issue। आपको पता है जब salt की monopoly ले ली गई थी, which we will discuss in next video, right? तो that's why ये daily life का एक issue था। महात्मा गांधी realize के लोगों के लिए ये understand करना difficult है, but या daily life का कोई issue लेकर अगर हम कोई movement start करेंगे तो people will give us good response। So that was the reason that we went for civil disobedience movement and the name of the topic is, right? Thank you very much and wait for next video. Good day.